नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल हमी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को आज दूसरी बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, आज यानी कि गुरुवार को। इससे पहले उन्हें 23 अगस्त को पैगंबर मोहम्मद साहब पे टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और शाम को उनको स्थानीय कोर्ट ने जमानत दे दी थी। और राजा के बयान के बाद 23 अगस्त से हैदराबाद में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। ये उनको दोबारा अरेस्ट किया गया, इट्स ओके। कोर्ट को, कानून को जो सही लगता है वो करता है। अब जब मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की है तो उसकी जो कार्रवाई है वो भी उनको सहन करनी पड़ेगी। लेकिन यह मेरा एक सवाल है कि जो प्रदर्शन हैदराबाद में हो रहे थे, वो उनमें जो नारे लगाए जा रहे थे, उनमें जो प्रदर्शनकारियों का एक रोष था, वो रोष अपने आप में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों के साथ आए हुए थे और वो नारे लगा रहे थे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो किसी को ये हक नहीं बनता कि वो अपने हाथ में कानून को ले। इस निंदा के खिलाफ ये नारे पिछले कई महीनों से सुनने को आ रहे हैं कि सरतन से जुदा। ये वो लोग देख नहीं पा रहे हैं कि कोर्ट ने उनको आज दोबारा फिर अरेस्ट किया है। कोर्ट अपने नियमानुसार चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, तो वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और फिर प्रदर्शन में ऐसे आपत्तिजनक नारे वो क्यों लगा रहे हैं? सोचने की बात है दोस्तों, आप दिमाग लगाइए इसमें कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह को 41A CRP के तहत दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया है। ये मामले फरवरी और अप्रैल 2022 में दर्ज किए गए थे। प्रदर्शनकारी राजा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी के समय राजा के घर के बाहर उनके समर्थकों की भी भीड़ जुटी हुई थी। भीड़ अपने तरीके से जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। अब इसमें, इन नारों में और उन नारों में मुझे जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जय श्री राम कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि हम सरतन से जुदा, ये किसी ने नहीं कहा। और फिर दूसरा नारा था उनका, भारत माता की जय। हम जिस देश में रहते हैं, जो हमारी भारत माँ है, उसके नारे हम क्यों ना लगाएं? तो बेसिक फर्क ये है। गुरुवार को गिरफ्तार होने से पहले राजा ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे आजकल में फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे देश, मेरे धर्म को बुरा कहेगा तो मैं उनको उसी भाषा में जवाब दूंगा, चाहे इसकी सजा जो भी हो। अब हिंदू पीछे हटने वाला नहीं है। आशा करता हूँ कि इस धर्म युद्ध में हर हिंदू हमेशा की तरह मेरा साथ देगा। दोस्तों, बीजेपी ने अपने लोगों में ये दूसरा ऐसा उनका नेता है जिसको उन्होंने सदस्यता उसकी ख़त्म की है और उसको यानी कि निलंबित किया है उसे अपनी पार्टी में से। इससे पहले नूपुर को भी किया था। ये अभी हाल फिलहाल की घटना है, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रही हूँ। और राजा के खिलाफ हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। नाराज भीड़ गुस्सा के नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मतलब इस निंदा की सजा जो है उनकी नजर में ये है कि कानून हाथ में लो और सिर उसका तन से जुदा कर दो। कानून हाथ में लेने की किसी भी व्यक्ति को कौन इजाजत देता है? कानून अपना काम करेगा, लेकिन
अब मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं उनकी सजा क्या है, आप खुद ही बताइए। अब उन्होंने अपने ट्वीट में अपने मन की भड़ास निकाल दी है कि मेरे देश धर्म को जो बुरा कहेगा उसे मैं अपनी भाषा में यानी कि उसी की भाषा में जवाब दूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो देखा जाएगा। फिर भी जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है और नारा एक ही है जो पाकिस्तान से इंपोर्ट होकर के आया है। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा के बयान की तुलना पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर के बयान से की है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब एक व्यक्ति को दूसरी बार अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन टी राजा के वकील को यूएई से धमकी मिल रही है और उनको वहां से 3 कॉल आए हैं। उनकी जांच कौन करेगा, उनको सजा कौन देगा? जरा ये जो नारे लगा रहे हैं, इनके पास इनका कोई जवाब है क्या? जो ये इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, तन सर से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसा ऐसा होता है क्या? कानून को अपने हाथ में लिया जाता है क्या? उनसे ये पूछना चाहिए ना कि भीड़ जो है इस तरीके की डिमांड क्यों कर रही है, इस तरीके की बात क्यों कर रही है? ठीक है, टी राजा को दोबारा फिर से अरेस्ट हो गए हैं, जो कानून को सही लग रहा है वो कर रहे हैं, जो पार्टी को सही लगा उन्होंने उनके साथ वही किया, बल्कि उनको सस्पेंड करने के साथ साथ उनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया है ताकि वो 14 दिन के अंदर इसका जवाब दे। इससे ज़्यादा पार्टी और कर भी कह सकती है, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से सजा। ऐसे तो हर व्यक्ति अपने ईश के लिए ऐसी ही बात करने लग जाएगा, तो फिर कानून की ज़रूरत क्या है? जो हमारी जुडिशरी है उसकी ज़रूरत क्या है? अगर हमने अपने नारे खुद ही तय कर लिए हैं, अपने लिए कानून खुद ही बना लिया है, हम खुद ही उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, तो फिर कानून की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पे अपने आसपास भी बात करें, और ये भी आप देखें कि जो इनोसेंट मुस्लिम समाज से आते हैं लोग, उनको उनके हाथों में काले झंडे दिए जाते हैं और बाकी के जो लोग हैं वो तमाशा देखते हैं। और एक और दुखद बात है इसमें, इसमें मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हाथों में झंडे लेकर के सेम नारा लगा रहे हैं, जिसपे मुझे दिल में बहुत अफसोस होता है कि ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।